टोक्यो ओलंपिक में भारत के बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेको को 8-0 से हराकर भारत के लिए और अपने लिए ओलंपिक मेडल जीता। अब तक टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। पहले खिलाड़ी रवि दहिया थे। तो दोस्तों, यह एक बहुत खुशी की बात है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके अपना नाम और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन किया है। यहाँ पर बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर जिनका नाम है दौलत नियाज बेको, इनको 8-0 से हरा करके यह पदक अपने नाम, यह मेडल अपने नाम किया है। और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले जो खिलाड़ी थे वो रवि दहिया थे। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के रेसलर को हराया। तो 65 यानी कि 65 किलोग्राम वर्ग में यह रेसलिंग हुआ और उसमें इन्होंने कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेको को हराया। दोस्तों, अब बात करते हैं बजरंग पुनिया के बारे में थोड़ी सी। तो बजरंग पुनिया का जन्म हरियाणा भारत में हुआ है और ये एक प्रसिद्ध भारतीय रेसलर या पहलवान है। तो आपको ये भी जानकर ध्यान रखना है कि बजरंग पुनिया का जन्म भारत के हरियाणा में हुआ है और ये एक फेमस रेसलर यानी कि पहलवान है। दोस्तों, बजरंग पुनिया को 2015 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं बजरंग पुनिया, और इनको यह अवार्ड 2015 में मिला है। बजरंग पुनिया एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो आपको ये भी जानकारी ध्यान रखना है कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये ब्रॉन्ज मेडल के विजेता हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल के विजेता हैं ये अभी वर्तमान में 2020 टोक्यो ओलंपिक वाला। तो ये एक बहुत खुशी की बात है कि भारत को एक और पदक मिल गया है टोक्यो ओलंपिक में, और यह जो पदक जीता है वह ब्रॉन्ज मेडल के रूप में भारत के बजरंग पुनिया ने जीता है।